नमस्कार, मैं हूं पल्लवी महेश्वरी बीएमसी सेकेंड ईयर से। नमस्कार, मैं हूं श्रेया चावला बीएमसी सेकेंड ईयर से। आपका स्वागत है आइजोम्स के प्रैक्टिकल सेशन में। आज हम यहां मौजूद हैं न्यूज 24 के रियल स्टूडियो में। सलमान खान एक मशहूर सेलिब्रिटी, एक सुपरस्टार, आजकल सुर्खियों में है। 2002 के हिट एंड रन केस में आज तक फैसला नहीं आ पाया है। हादसे के 10 साल तक भी सलमान खान आराम से बाहर घूम रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसे ही कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आस्था, पवलीन, रौनक और नदीम। रौनक, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हादसे के 10 साल बाद भी सलमान खान को आखिर सज़ा क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, क्यों इस केस में इतनी ढील दी गई? जहाँ तक मुझे लगता है, हमारे देश के न्याय प्रक्रिया जो है और प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। ऐसा नहीं है कि सलमान खान सेलिब्रिटी है इसलिए उसमें टाइम लगा ज़्यादा। आप कोई भी केस उठा के देख लो, लगभग 15 साल 20 साल लग जाता है किसी का भी फैसला आने में। तो ये बेहद दुखद बात है, और हमारे देश के जितने भी न्याय के जानने वाले लोग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इसको कैसे कम से कम किया जाए। जी बिल्कुल, इनको सोचना तो चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इसी केस में क्यों इतनी देरी हुई? 10 साल 7 महीने हो गए हादसे को हुए हुए, क्यों इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा? कई बार ऐसा हुआ कि सलमान खान नहीं पहुंचे कोर्ट में, कई बार हुआ कि देश से बाहर थे, तो इस वजह से भी कुछ लेट लतीफ़ी हुई इसमें। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो रौनक की इसी बात से सवाल लेते हुए मैं आस्था के पास जाना चाहूँगी। आस्था, आप बताइए कि सलमान खान के वकील का भी यही बयान आया कि सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि उनके एक सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें छूट दी जा रही है? नहीं श्रेया, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि सेलिब्रिटी होने के कारण सिर्फ उन्हें छूट दी जा रही है या कुछ ऐसा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि हमारे कानून में प्रावधान में है कि अगर नहीं आरोपी मौजूद हो पा रहा है कोर्ट में तो वकील उसकी तरफ से पेशी देता है, बात अपनी सामने रखता है। और ऐसे रोड एक्सीडेंट्स, हिट एंड रन केसेस में तो ऐसा कई बार होता है कि नहीं आता आरोपी। और हम आम आदमी की अगर बात करें तो कई बार तो कई केसेस में पता तक नहीं चल पाता कि किसने किया, क्या हुआ, मौत तक हो जाती है इंसान की, लेकिन कोई बात नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ सलमान खान की बात है, एक सेलिब्रिटी है, स्टार है, शायद इसलिए मामले को ज़्यादा ही उछाला जा रहा है। नहीं, जहाँ तक मौत की बात रही तो मौत इसमें भी हुई है, मौत इसमें भी हुई है, और इस वजह से हम नहीं छोड़ सकते कि बड़े स्टार है। और जहाँ तक लेट हो रहा है तो सलमान के लिए भी कहीं ना कहीं और लॉ के आगे सब मुश्किलें बढ़ी, मुश्किलें बढ़ी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, माफ कीजिएगा आस्था, मैं अब आपसे यहाँ जानना चाहूँगी फिर से कि कुछ ऐसे भी बयान सामने आए हैं जहाँ ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने लापरवाही नहीं बरती, उन्होंने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन हादसे के 8 घंटे तक भी सलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, तो क्या ये उनको मौका नहीं देता अपने शरीर से अल्कोहल की मात्रा को कम कर देने का? क्या ये लापरवाही नहीं थी? बिल्कुल, ये तो लापरवाही है, लेकिन ये उस आरोपी की तो लापरवाही नहीं है ना, ये तो मुंबई पुलिस की लापरवाही हुई। और मुंबई के, मुझे लगता है हमारे देश के किसी भी जगह हम देख लें तो कई जगह ऐसा होता है, कोई भी केस है, चाहे वो मर्डर केस हो, रेप केस हो, हर बार पुलिस तुरंत नहीं पहुंचती मौका वारदात पे, और कई बार बहुत देर पे देर होती जाती है, सबूत मिटते जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सलमान खान है इसलिए कुछ मौका दे दिया गया कि ठीक है आप अपनी गलती छुपा लीजिए, ये शायद पुलिस का रवैया ही कुछ कारण जो भी हो, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण जो भी हो, तो कारण मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इससे हमारे कानून व्यवस्था पर भी तो उंगली उठती है, क्योंकि 2 साल तक भी हादसे के 2 साल तक भी उस डॉक्टर की पेशी नहीं हुई कोर्ट में जिसने हादसे के वक्त सलमान का मेडिकल टेस्ट किया था। 64 चश्मदीद होने के बाद भी अब तक सजा नहीं आ पाई है, तो ये हमारे कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई जाने वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल उठाई जा रही है और उठानी भी चाहिए, तो यही तो सवाल तो उठेगा।
अपने इतने बिजी शेड्यूल की वजह से, हम जानते हैं कितनी फिल्में हैं उनकी, कभी बीमार है वो, अगर नहीं पेशी दे पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी गलती क्यों देखी। लेकिन ये एक गरीब इंसान का सवाल है, उसका परिवार अब वो कैसे संभलेगा। परिवार की बात की, मैं यहाँ पे फिर से जानना चाहूंगी। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आम इंसान में और किसी भी स्टार में फर्क नहीं करना चाहिए। जब बात आम इंसान की आती है तो वहाँ तो पुलिस टाइम से पहुँचती है, यहाँ तक होता है कि कभी कभी मामला दर्ज हुआ पुलिस अरेस्ट भी करती है। लेकिन मुझे जब बड़े स्टार की बात आती है तो वहाँ कुछ हिला हवाली दिखती है, तो हमेशा पुलिस समय पर ही पहुँचती है। अगर ऐसी बात होती तो इतनी आम आदमी को इतनी शिकायत ही क्यों होती कानून। जी बिल्कुल आस्था, माफ कीजिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हम इन सबके साथ बने रहेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। टीवी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना, और आज हम आपको बताएंगे एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आप भी इनकी तरह टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आईजम्स में एडमिशन लें। कोर्सेज ऑफर्ड: बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन टीवी प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। एडमिशन के लिए संपर्क करें आईजोम्स, FC23 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022, 0886002442। न्यूज जर्नलिज्म के लिए सबसे जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना और कॉन्फिडेंट रहना। अगर आप भी इनकी तरह टेलीविजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आईजम्स में एडमिशन लें। कोर्सेज ऑफर्ड: बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन टीवी प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। एडमिशन के लिए संपर्क करें आईजोम्स, FC23 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022, 0886002442। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बहस जारी है कि आखिर क्यों सलमान खान को अब तक सजा नहीं दी गई, 10 साल बाद भी आखिर क्यों सलमान खान आराम से घूम रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पवलीन आपने कहा था, आपने उस परिवार की बात की थी कि उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसने अपना एक घर का बेटा खोया, पति खोया। तो आस्था मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सलमान खान के पास ये उपाय नहीं था कि वो उसकी उसके परिवार को मदद कर सके, पैसे दे के या फाइनेंशली इस केस को रफा दफा भी कर सकते थे या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, उसके परिवार को मदद कर सकते थे, क्या ये उपाय था? पल्लवी, अगर हम अभी नहीं हुआ ऐसा, सलमान ने नहीं दिया तो इस पे सवाल उठ रहा है कि नहीं दिया उन्होंने, उनके मन में कोई ऐसा कुछ विचार क्यों नहीं आया, भावनाएं नहीं है क्या उनके मन में उस परिवार के लिए, उस इंसान के लिए। अगर वो दे देते एक पैसे तो हो जाता कि रिश्वत देने की कोशिश की, मामले को इस तरह से हटाने की कोशिश की कि पैसा लो, मुंह बंद करो और आगे हम पे सवाल ना उठाओ। तो बातों का तो कोई तरीका वही नहीं है, बंद होने का कोई तरीका ही नहीं है, दोनों पहलुओं से बात उठ सकती है मेरे ख्याल से इसका कुछ। जी बिल्कुल, आप नदीम आस्था की बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए दो बातें, पहली तो जैसा रौनक ने कहा कि कानून व्यवस्था जो है हमारी वो काफ़ी कमज़ोर हुई पड़ी है, और ऊपर से जो ताकत है वो ऊपर बैठे लोगों के पास है, हाई कमान के पास है। वहीं जो राइट टू इक्वालिटी आ जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी का कत्ल करता है और कोई आम आदमी किसी का कत्ल करता है तो दोनों को एक ही सज़ा मिलेगी, वो यहाँ पे लागू नहीं होता दिखाई देता। इसी वजह से एक तो सेलिब्रिटी हैं और ऊपर से जो हमारी कानून व्यवस्था है उससे सलमान खान को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचा, और यही वजह है कि इतना वक्त लग जाता है इन केसेस में। चाहे मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक कारण नहीं है कि सेलिब्रिटी है इसलिए वक्त लग रहा है, अगर वो हमारे देश के ना होते, अगर वो एक आतंकवादी होते कसाब की तरह इन सब की तरह, तो शायद इनको भी जिस तरह एकदम से फांसी दे दी गई, शायद इसे भी फांसी दे के अलग कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली फायदा हो रहा है पार्टी को। तो आतंकवादी है, सलमान खान एक सेलिब्रिटी है। वही तो सेलिब्रिटी है इसलिए समय लगा रहे हैं, अगर ना होता। मैं कहना चाहता हूँ कि मदद करना ना करना सलमान खान के ऊपर है, उन्होंने किया क्यों किया क्यों नहीं किया इसके लफड़ा में हम नहीं पड़ेंगे। हम बस ये बोलेंगे कि चूंकि बीइंग ह्यूमन करके एक एनजीओ चलाते हैं तो मानवता उनको दिखानी चाहिए थी वहाँ भी, और वहाँ भी मदद करना चाहिए। अगर उन्हें दिल से लगता कि उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें अपने उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था, कुछ बातचीत करनी चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी इसी बात पे पवलीन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ हमारी पुलिस की कितनी गलती है। पुलिस ने
सलमान खान को 8 घंटे का वक्त क्यों दिया? पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि सलमान खान खुद आकर अपना जुर्म कबूल करेंगे, उन्होंने उसे उसी वक्त जाकर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखने में तो ऐसे लग रहा है कि मुंबई पुलिस सलमान खान को बचाना चाह रही थी। सलमान खान एक बहुत बड़ी हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। सलमान खान की जगह अगर सलमान खान अगर एक आम आदमी होते तो उन्हें कब का गिरफ्तार कर लिया चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें 22 बार बुलाया भी गया कोर्ट में, वे फिर भी पेश नहीं हुए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ऐसे कई बार होता है, कितने केसेस में, रोड केसेस में पैसे दे के मामला हटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार लोगों को गिरफ्तार किया ही जाता है और आम आदमी के केस में मामला नहीं हटता। बिल्कुल, चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, बट सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि ये गुनाह है। सजा जितनी सही होगी उतनी मिलेगी और उस पर चर्चा चल भी रही है, निर्णय आने वाला है, कोर्ट ने डिसीजन लेने की सोच रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही छोड़ दिया जा रहा है, वरना आज भी शायद हम इस बात के लिए डिस्कस ना कर रहे होते। जी बिल्कुल, कोर्ट का फैसला तो आएगा। नदीम, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, इस केस में जो इतनी देरी हुई इसमें मुंबई पुलिस का कितना हाथ है? मुंबई पुलिस की जहाँ तक बात है, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और यही एक कारण है कि उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। पुलिस भी ढिलाई करती है कहीं ना कहीं, पुलिस भी घबराती है हाथ डालने से। जी बिल्कुल, मैं बस एक, चूँकि आज का डिबेट का जो टॉपिक है कि सलमान खान को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली, आज ही फिर 20 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि जज साहब छुट्टी पे गए हैं, तो मतलब धीरे धीरे इसको लटकाया जा रहा है। अब इसके यहाँ से अगर इनको सजा मिलती है, इसके बाद ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो मतलब मामला कम से कम 5-7 साल के लिए तो लटकता जा रहा है। हो चुके हैं और लटके हैं। माफ कीजिए रौनक, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। चर्चा हमारी जारी रहेगी कि आखिर सलमान खान को सजा क्यों नहीं मिली, कोर्ट में ये केस चल रहा है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार।